मायसेल्फ दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। अगेन स्वागत है आपका ऑटोकैड 2018 ट्यूटोरियल के 15th लेसन में। इस लेसन में आप सीखेंगे कैलकुलेटर, शो और हाइड कमांड लाइन, एक्सपर्ट मोड, टेक्स्ट विंडो, ग्रुप अनग्रुप, इनके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैलकुलेटर। अगर आपको ऑटोकैड में कैलकुलेशंस की कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप कैलकुलेटर कमांड की हेल्प से ले सकते हैं। कैलकुलेटर के लिए आप प्रेस करें QC एंटर या फिर Ctrl+8। अगर आप प्रेस करते हैं QC एंटर तो आपका यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, जो आपका प्रोफेशनल कैलकुलेटर है जिसकी हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यही कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं Ctrl+8 कमांड से, तो आपका कैलकुलेटर यहाँ से ओपन हो जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है कमांड लाइन। जो ये आपकी कमांड लाइन होती है, अगर ये कमांड लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाए, अगर आपकी कमांड लाइन ये हाइड हो जाए, तो ये कमांड लाइन आप Ctrl+9 से लेके आ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और Ctrl+9 से ही ये हाइड हो जाएगी और Ctrl+9 से ही आपको शो होने लगेगी। यही आप कमांड लाइन, आप यहाँ पे टूल्स पे जाके कमांड लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+9, जिसकी हेल्प से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। Ctrl+9 दोबारा यूज करें और आप यहाँ से कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जितनी भी यहाँ पे कमांड्स हैं सब हाइड हो जाए, आप एक्सपर्ट मोड में यूज करना चाहते हैं, आप स्क्रीन को क्लियर कर देना चाहते हैं या आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+0, तो आपकी कंप्लीट कमांड यहाँ से हाइड हो जाएगी। फिर आप अपना वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई लैपटॉप होता है जैसे छोटी स्क्रीन रहती है, आपको कंप्लीट ड्राइंग को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्लीन स्क्रीन करके एक्सपर्ट मोड आप इसे बोल सकते हैं या आप इसे फुल स्क्रीन बोल सकते हैं, तो आप दोबारा Ctrl+0 करेंगे तो आप वापस उस मोड में वापस आ जाएंगे। या फिर आप इसको टूल्स में जाके, यहाँ पे है क्लीन स्क्रीन, Ctrl+0, आप इसकी हेल्प से भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है टेक्स्ट विंडो। टेक्स्ट विंडो क्या होता है कि आप देखना चाहते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी कमांड्स यूज की हैं वो आपको शो हो जाए, तो उसके लिए आप प्रेस करें F2। F2 प्रेस करें तो यहाँ पे ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो आपको ओपन हो जाएगा। आपने अभी तक जितने भी कमांड अभी यहाँ तक यूज किए हैं वो कंप्लीट कमांड आपको इस टेक्स्ट विंडो के अंदर शो हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है ग्रुप। देखो दोस्तों, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप के लिए आप मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, तीसरा भी ऑब्जेक्ट है, आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो आप M एंटर करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और आप इन तीनों को मूव कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि तीनों ऑब्जेक्ट एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे G एंटर। यहाँ पे कमांड स्टार्ट हो जाती है ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो आपके तीनों ऑब्जेक्ट एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब आप विदाउट मूव कमांड से ही आप इन तीनों को मूव कर सकते हैं, और अगर आप इन तीनों को अनग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं UNG एंटर और आप इस पर क्लिक करें तो आपका ये अनग्रुप हो जाएगा। ग्रुप आप कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डोर बनाया, मान लो आपका, एक सेकेंड, आपके पास कोई डोर है, आपने कोई भी एक डोर बनाया, या आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बनाया, आपने स्टेयर्स बनाई या आपने एक डोर बनाया घर के लिए, और ये आपका मान लो आपका बेड है या व्हाटएवर, जो भी आपने यहाँ पे बनाया, डिजाइन सेंटर है जो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाए हैं, तो इसको बारे में मैं बताऊंगा बाद में। मान लो आप एक ये चीज बना देते हैं और आपके ये जो बनता है वो ऐसे बनते हैं। अब जब आप इसे मूव करेंगे तो आप M एंटर करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप मूव करेंगे, अब कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंडिविजुअल है, आप चाहते हैं कंप्लीट को एक ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूं, तो उसके लिए आप प्रेस करें Z एंटर, सबको सिलेक्ट करें, एंटर, तो आप इसको कंप्लीट एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जो आप एक इंडिविजुअल इसको मूव कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर आप इसको ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे तो आपको सब लाइंस को इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो चलो आपकी यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन है, अगर आप एक प्लान के अंदर आप इन सब चीजों को यूज करते हैं तो बार बार सबको सिलेक्ट करना, उसको मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप इसको कंप्लीट को ज्वाइन भी नहीं कर सकते। ज्वाइन जो कमांड रहती है वो एक सिंगल यूनिटी जो रहेगी, आपकी सिंगल लाइन में जो रहेगी, आप उन्हीं को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपकी लाइन से ऐसे है तो आप अगर जे एंटर करके इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये अलग से ज्वाइन होगा और ये अलग से ज्वाइन होगा। इन सभी लाइंस को आपस में आप ग्रुप करने के लिए आप जी एंटर करें, सबको सिलेक्ट करें, एंटर, अब ये ग्रुप के अंदर ऐड होगा जिसको आप इंडिविजुअली
मूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट करके मेरे से आपको जो भी पूछना है, जो भी क्वेरी सोल्व करनी है, तो आप उस क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।